डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स से, क्लास 11। क्वेश्चन है, अ क्लोज सिस्टम अंडरगोज अ चेंज ऑफ स्टेट बाय प्रोसेस 1 to 2 फॉर विच। मतलब कोई एक क्लोज सिस्टम में 1 से 2 तक कोई सिस्टम जा रहा है, ठीक है। उसमें जो हीट देनी है फर्स्ट से, जब वो सेकेंड प्रोसेस की तरफ जा रहा है, मतलब फर्स्ट स्टेट से सेकेंड स्टेट में जा रहा है, तो हीट है 10 जूल। और जो वर्क डन है 1 से 2 में जाने में, वो है -5 जूल। वर्क डन यहाँ पर नेगेटिव है। इसके बाद बोला है द सिस्टम इज नाउ रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट। मतलब अब क्या हो रहा है, वो 2 से फिर से 1 में आ रहा है, 2 से फिर से वो फर्स्ट स्टेट पर आ रहा है। लेकिन इस बार जो हीट देनी पड़ रही है 2 से 1 में, वो है -3 जूल। हमें ये पता करना है कि अब कितना वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब कि सेकेंड से जब आप फर्स्ट में आ रहे हो, तो हाउ मच वर्क डन यू हैव टू डू फॉर दिस प्रोसेस। अब एक चीज, एक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ पहले। जब किसी क्लोज सिस्टम में कोई प्रोसेस अपनी इनिशियल स्टेट में जा रहा है, मतलब वो मान लीजिए 1 से 2 में गया और 2 से फिर से 1 में आ गया, तो जो चेंज इन एनर्जी होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा, वो सेम होता है, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ, जब कोई सिस्टम मान लीजिए 1 से 2 में गया और 2 से फिर से वो 1 में गया, तो जो चेंज पहले आया था, मतलब फर्स्ट प्रोसेस में जो चेंज आया था, ठीक है, मान लो ये ए प्रोसेस है और फिर से वो 2 से 1 में जा रहा है, यानी मान लो बी प्रोसेस है, तो यहाँ पर जो चेंज आया और जो यहाँ पर चेंज आया होगा, वो दोनों चेंज सेम रहेंगे। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम रहती है। इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट और दूसरा मैं इसमें कंसेप्ट इस्तेमाल करूंगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जो कि ये कहता है जो चेंज इन एनर्जी होता है, इट इज इक्वल टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी। मतलब बेसिकली चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वही कंसेप्ट का यूज करूंगा। पहले फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का इन द प्रोसेस ए, और मान लो ये प्रोसेस बी है। प्रोसेस ए में 1 से 2 जा रहा है, प्रोसेस बी में 2 से 1 आ रहा है। तो पहले केस में देखो, डेल्टा क्यू 1 to 2 इक्वल टू डेल्टा यू 1 से 2 प्लस वर्क डन 1 से 2। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये 10 जूल है। अब देखो, जो इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा वो कैसे लिखेंगे, तो हम करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। मान लो यहाँ पर इनिशियल एनर्जी रही होगी 1 और यहाँ पर फाइनल एनर्जी रही होगी 2, तो हम इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए U2 - U1 करेंगे, मतलब फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे चेंज देखने के लिए। प्लस जो वर्क डन है पहले केस में, वो कितना है, -5 जूल। तो यहाँ से अगर मैं मान लीजिए 5 को इधर ला रहा हूँ, जो कि प्लस हो जाएगा, तो 10 + 5 इक्वल टू कितना आ गया, U2 - U1, U2 - U1, यानी कि U2 - U1 को मैं 15 लिख सकता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट फर्स्ट केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी आया, U2 - U1। अब सेकंड केस में इक्वेशन लगाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जो कि होगा चेंज इन, मतलब जो इंटरनल एनर्जी है उसका चेंज विल बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कब, 1 से 2 में, प्लस अब जो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, कब, जब आप 2 से 1 में जा रहे हैं, 2 से 1 में, और ये भी 2 से 1 होगा, 2 से 1, 2 से 1। तो देखो, जो हीट एनर्जी है अब सेकंड केस में, वो कितनी है, -3 जूल, -3 जूल। देखो, अब जो मैं एनर्जी लिखूंगा, जो इंटरनल एनर्जी होगी, वो बाद वाली माइनस पहले वाली होगी, मतलब ये हो गया बाद वाला प्रोसेस, सॉरी पहले वाला, यहाँ पर U2 और ये पहले, जब वो 2 से 1 में आ रहा है, तो 1 वाला बाद हो गया अब, तो ये 1। तो अब जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी, मैं उसको क्या लिखूंगा, बाद वाली इंटरनल एनर्जी माइनस पहले वाली, यानी कि अब मैं लिखूंगा U1 - U2, और वर्क डन मुझे पता करना है कितना होगा। ओके, अब आप ये देखिए, आपको U2 - U1 पता है 15 है, 15 है, तो U1 - U2 कितना हो जाएगा, इसका रिवर्स साइन करना पड़ेगा, मतलब -15 इक्वल प्लस वर्क डन इन द सेकंड प्रोसेस 2 से 1। अब 15 को आप इधर लाओगे, तो 15 - 3 इक्वल टू कितना होगा, W2 - 1, तो W2 - 1 की जो वैल्यू आएगी, वो आएगी 12 जूल, ठीक है, 12 जूल। तो हमारा जो आंसर होगा वो 12 जूल होगा। अब इसमें चांसेस कहाँ होते हैं मिस्टेक करने के, तो स्टूडेंट्स को ये लगता है कि वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी, तो वो यहाँ पर भी U2 - U1 ले लेते हैं, जिसकी वजह से आंसर 18 या -18 आता है। तो ऐसी गलती मत करना, हमेशा जो चेंज होगा वो फाइनल से इनिशियल का माइनस करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर कहा फाइनल माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी के लिए, यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल करा है। तो अगर ये गलती, ये यही है, मतलब जहां पर मिस्टेक हो सकती है, बाकी तो आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिंपली अप्लाई करना है।